जो हमने अच्छे काम किए कुछ आपको हम बता रहे। देखो सबसे पहले तो हम यहाँ इनफर्टिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब पशुओं में बांझ पर। तो आइडियली क्या होता है, आपके पास अगर कोई भी संकरण आज के परिप्रेक्ष्य में हमको अगर दूध उत्पादन बढ़ाना है तो दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए या तो हमको हिंदुस्तान की अच्छी नस्ल की गाय रखनी पड़ेगी या संकर नस्ल की गाय रखनी पड़ेगी। लेकिन उन गायों में जनरली क्या होता है, गाय जो होती है ओवर ब्याह होनी चाहिए, हर साल ब्यानी चाहिए। अभी आपकी गाय ब्याई फिर वो दूध देगी 5-6 महीना, अच्छा फिर बाद में कैसे आधा किलो देगी, 1 किलो 1.5 साल तक देगी। लेकिन अपन उसका कभी भी इकोनॉमिक्स नहीं निकालते कि भाई कितना फायदा है कितना नुकसान है। तो जो गाय मतलब ब्याते ही 2-3 महीने में अगर गाभिन नहीं होती तो घाटे में। तो उसका एक बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि हमारी जो इनफर्टिलिटी की टीम है उसके हमारे जो मेन जिसके हेड है डॉक्टर भूपेंद्र भारद्वाज सर, तो वो छत्तीसगढ़ में गए थे। तो छत्तीसगढ़ में एक शारणा डेयरी है, उनके पास लगभग 1,000-1,200 या 2,000 ऐसे कुछ एनिमल है। तो उन एनिमल में इंटरकाविंग पीरियड मतलब दो ब्याह के अंदर अंतर बीच का जो अंतर है वो 18 महीने था। कितना था? 18 महीने। तो उन्होंने वहां जाके कुछ ट्रीटमेंट किए, वहां के डॉक्टरों को ट्रेनिंग दिया, तो वो 18 से लेके वो आ गए 16 पे। तो उनका प्रॉफिट कितना बढ़ गया? 1 करोड़ से बढ़ गया। तो इतना बड़ा फर्क पड़ता है। हम तो आजकल क्या करते हैं, घर का चारा देते हैं, घर का बाटा देते हैं, इसलिए हम कभी इकोनॉमिक्स नहीं लगाते। और जब तक हम किसी भी चीज़ में इकोनॉमिक्स नहीं लगाएंगे, वो भले गाय पालन हो बकरी पालन हो, जब तक हमारा कोई भी चीज़ प्रॉफिट में नहीं है। तो मैं आपको ये इसलिए समझा रहा हूँ कि देखो हमारे यहाँ के जो एनिमल्स, हमने जिस एनिमल्स में ट्रायल लिए, जो पहले एनिमल था ऐसे क्या बन नहीं हो रहा था, कमजोर हो रहा है, बाल घुंघराले हो रहे। अब आपको लगेगा कि ये एनिमल ये हो ही नहीं सकता, लेकिन ये एक्चुअली है। तो एनिमल को जब हम अच्छे क्वालिटी का पशु आहार देते हैं, मिनरल मिक्सचर देते हैं, और फिर उसको हार्मोनल ट्रीटमेंट करके हीट में ला के ज्ञापन करते हैं, तो ये एनिमल ऐसा हो जाता है। तो एनिमल का जो बॉडी कोट होता है वो भी बताता है। ऐसे अगर घुंघराले बाल होते हैं तो उसमें क्या होता है, सेलेनियम की कमी होती है, उसमें बीज निकलने की दिक्कत होती है, तो अनओवुलेटरी प्रॉब्लम होती है। अगर नीचे वाला पार्ट होता है गाय के पेट का, वहाँ के बाल लंबे होते हैं तो उसमें क्या होता है, कैल्शियम की कमी होती है। अगर हम भैंसों की बात करें तो भैंसों के बाल अगर ऊपर से रेड कलर के होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं, तो उसमें कॉपर डेफिशिएंसी होती है। तो ये सब चीज़ें हमको जांच करनी चाहिए, और जांच नहीं करें तो एटलीस्ट हमको पशुओं को मिनरल मिक्सचर देना चाहिए। मिनरल मिक्सचर बहुत आवश्यक है। हमने इनडिस्क्रिमिनेटली खेती में उत्पादन बढ़ाने के लिए यूरिया का उपयोग किया, इसके कारण हमारे जमीन के अंदर जो मिनरल का बैलेंस था वो इम्बैलेंस हो रहा है। तो आजकल बहुत सारे लोग बोलते हैं डायबिटीज होने का कारण भी क्या है, क्रोमियम की कमी है। तो पहले क्या था, जमीन में क्रोमियम था और अलसिया होती थी खेतों में, जिसको हम अर्थवर्म कहते, वो क्या करता था, नीचे से क्रोमियम को ऊपर लाता था। अभी किसी भी खेत में अलसिया नहीं है। तो क्रोमियम भी एक मिनरल है। तो मिनरल को हम दो तरह से डिवाइड करते, जो ज़्यादा लगते हैं उसको मैक्रो मिनरल कहते, जो कम प्रमाण में लगते हैं उसको माइक्रो मिनरल कहते हैं। मैक्रो मिनरल में कैल्शियम फॉस्फोरस मैग्नीशियम आता है, और माइक्रो मिनरल में भी आते हैं सेलेनियम क्रोमियम कॉपर जिंक कोबाल्ट। तो इस प्रोजेक्ट में हमने लगभग 3-4 गाँव में लोगों को पशु आहार बांटा था, और ये इन लोगों की गायें मतलब जो बांझ थी उनको हमने क्या बंद किया। तो हमारे मैंने कल ही बताया कि हमने इंडिया का नंबर वन जो ब्रांड है अमूल, तो उनके पास लगभग 150-200 डॉक्टर है, तो उनके 50 डॉक्टरों की एक टीम है जो बांझपन पे काम करते हैं, और उनको हमने ट्रेनिंग दिया है। तो हमने अभी तक भारत के बहुत सारे मतलब बायफ के डॉक्टरों को ट्रेनिंग दिया है, इनफर्टिलिटी का बायफ के कंपाउंडरों को दिया है, महाराष्ट्र की एक प्रभात डेयरी है उनके डॉक्टरों को ट्रेनिंग दिया, फिर राजस्थान गवर्नमेंट में जो हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर है उन लगभग 1,000 डॉक्टरों को हमने ट्रेनिंग दिया है। उसके बाद में हमारा एक यूनिक एक कंसेप्ट है कि भाई यहाँ एक कृषि विज्ञान केंद्र है। तो इस कृषि विज्ञान केंद्र में हमने पहले एक क्लिनिक शुरू किया था कि भाई थाली ले आओ और ज्ञापन करके ले, आपकी गाय ज्ञापन नहीं होती है, आप लाइए हमारे यहाँ एडमिट करिए, और आप केवल दिन में हमको 100 रुपये दे दीजिए, उसमें उसका चारा आ गया, पानी आ गया, बाटा आ गया, और उसका जो भी हालांकि का खर्चा है वो आ गया, और फिर हम ज्ञापन करके दे दीजिए। अभी बीच में थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हुआ है। तो इस तरह के नवाचार हमारे यहाँ होते रहते हैं। फिर हमारे यहाँ के लेबोरेटरी में आप अगर गूगल पे टाइप करोगे तो उदयपुर प्रोटोकॉल ये मिलेगा आपको। उसके बाद में हमारे यहाँ की लेबोरेटरी में बहुत सारे लोगों ने काम भी किया। हमारी ये जो लेबोरेटरी है ये रिसर्च में भी लोग काम करते हैं बहुत सारे, मतलब जनरल साइंस, ये बंदा पीएचडी कर रहा था एमएससी के बाद पीएचडी, तो उसने चमगादड़ के आत में
तीन नए जीवाणु मिले तो उसको अमेरिका से मान्यता मिली। तो इस तरह के लोग इस लैब को एज अ रेफरल लैब यूज करते। फिर ये छोटे मोटे ये है पैम्पलेट है, जैसे कि ये गलगोटू गायों में भैंसों में होता है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, कंठिया बीमारी कहते हैं हम देशी भाषा में। उसके बाद में संक्रमित गर्भपात, जो कि हमने कल बात नहीं की, संक्रमित गर्भपात ब्रुसेलोसिस के कारण होता है और ये बकरियों में भी होता है। इसमें क्या, बकरी का जो गर्भावस्था काल होता है 150 दिन का, तो उसके पहले बकरी बच्चे को फेंकती है, उसमें प्लासेंटा मतलब जड़ बच जाती है। तो उसकी जांच या वो कैसे होता है, उसमें क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है, ये हम, और अभी सरकार ने एक प्रोग्राम चला हुआ है कि राष्ट्रीय ब्रुसेला नियंत्रण कार्यक्रम। तो आप अगर काश्तकार हो, आपके आसपास हॉस्पिटल हो, तो उसमें यह दिया हुआ है कि भाई आपके गांव का दूध एक जगह इकट्ठा होता है, तो वो दूध आपके जो लोकल केंद्र वाले हैं या हॉस्पिटल वाले हैं उनको देना है, और वो लेबोरेटरी में भेजेंगे, उससे पता पड़ेगा कि आपके गाँव में ब्रुसेला बीमारी है कि नहीं। उसके बाद में जिस गांव में पॉजिटिव आता है उस गांव में सरकार वैक्सीन भेजती है। तो ब्रुसेलोसिस वैक्सीनेशन 6 माह के बछड़ियों में होता है, केवल बछड़ियों में ये वैक्सीनेशन करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल मेल में नहीं करते। तो ये ब्रुसेलोसिस बीमारी क्योंकि इंसान को भी होती है, इसलिए इसको जूनोटिक डिसीज कहते हैं। अगर गलती से भी हो जाए तो इंसान में बांझपन की समस्या आती है, तो ये बहुत, इसलिए आपको टेस्ट हो जाता है। जी सर, दूध से टेस्ट हो जाता है। और पुल्ड मिल्क, पुल्ड मिल्क का मतलब आप एक गाँव के सबका दूध एक कोठी में इकट्ठा होता है, उसमें से केवल 10 ml दूध चाहिए। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, इसलिए कंपलसरी सभी गांवों से यहाँ सैंपल, आपके एरिया में आप अगर करना चाहते हो तो आपके नजदीकी हॉस्पिटल में जरूर आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए। और फिर बहुत सारा ऊंटों का दूध पहले खाने के लिए मतलब ये नहीं था, तो हमारे यहाँ के जो पूर्व हमारे डिप्टी डायरेक्टर थे, उन्होंने उस ऊंट मालिक के साथ सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ा, और फिर ऊंट का दूध मनुष्य को खाने के जो प्रूव कर दी, अदरवाइज जो जो दूध बेच रहा था उसको शायद जेल में ला सकते। फिर मेवाड़ी ऊंट की नस्लों को पहचान दिलाई हमारे पास 2 साल से मेवाड़ी मुर्गी। तो इस तरह से यहाँ अलग अलग नवाचार चलते रहते हैं। ये छोटे मोटे पैम्पलेट है, बाह्य परजीवी थनेला रोग जिसको मस्टाइटिस कहते हैं, तो बकरियों में भी थनेला रोग होता है, थन सूज जाता है, थन से खराब हो जाता है, उसकी हम जांच कैसे कर सकते हैं, उसके बाद में प्रबंधन कैसे करना है, ये छोटी मोटी चीज़ों का। थनेला का प्रबंधन क्या है? थनेला का प्रबंधन यही है कि सर आपके पशु को हफ्ते में एक दिन एंटीऑक्सीडेंट देना चाहिए। तो बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट अपन मानेंगे तो उसको हम कहते हैं कॉड लीवर ऑयल। तो अगर बड़ा पशु है तो हफ्ता में एक दिन उसको कॉड लीवर ऑयल देना चाहिए या एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें देनी चाहिए, जिससे कि उसकी प्रतिरोध क्षमता बढ़े। तो उसमें विटामिन सी वगैरह आता है या बहुत सारे इंजेक्टेबल आते हैं। और थनेला मैंने बताया कि बड़े पशुओं में क्या होता है, जो थन होता है उसका जो ओपनिंग होता है दुकुन निकालने के बाद कुछ देर के लिए खुला रहता है, लेकिन अगर इन जनरल पशु में कैल्शियम की भी कमी होती है तो वो बहुत देर तक खुला रहता है, बैक्टीरिया वहाँ से अंदर चले जाते हैं। तो थनेला को सबसे पहले हमको पहचानना चाहिए, जब थनेला होता है, जब हम उसको कहते हैं क्लिनिकल मस्टाइटिस, मतलब लक्षण आ गए, थन में सूजन आ गई, थन से खराब दूध आ गया, गाय लगन में लग गई, बुखार चढ़ गया, हार्ड लग रही उसकी वाय। लेकिन सब क्लिनिकल मस्टाइटिस जो होता है तो अंदर छुपा हुआ कीटाणु उसके पहले रहता है उस पशु में, तो वो ढूंढने के लिए आपके पास सब क्लिनिकल मस्टाइटिस किट होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूंगा वो किट कैसे काम करते हैं अंदर। हेलो बकरी।